बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग विद जुगन। आप सबको हम सब की तरफ से एट मॉर्निंग विद जुगन एट पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। आज जब दुआएं करें, जब नमाज पढ़ें, तो प्लीज हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा, हम भी आपको अपनी दुआओं में याद रखेंगे। आज मैं बात करना चाहूंगी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, और वो है लैंग्वेज यानी कि जबान। जैसे कि आप जानते हैं, जबान का इस्तेमाल किया जाता है अपने एहसासात, ख्यालात और अपने जज्बात को दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए। लेकिन मेरे ख्याल से आजकल जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम या जो बहुत बड़ा मसला आ रहा है, वो ये है कि हम अपनी जो मदर टंग है, जो मादरी जबान है, उसको वो अहमियत नहीं देते तो देनी चाहिए। इसकी तरफ तो मैं आऊंगी, लेकिन एक जबान ऐसी जरूर है जो हम सबके बीच में कॉमन है और जिसको सबसे ज्यादा इग्नोर किया जाता है, और वो है प्यार की बोली। अगर हम कोई भी जबान बोलते हो लेकिन उसको प्यार से बोले, तो मेरे ख्याल से उससे बेहतर कोई चीज नहीं है। और जिस किस्म की कॉन्फिडेंस आप दूसरे बंदे को देते हैं उनसे प्यार से बात करके, वो और किसी चीज से नहीं आपको मिलता। प्यार की बोली बोलें, प्यार से लोगों के साथ डील करें, ताकि हमारी जो ये अफरा तफरी पूरी दुनिया में फैली हुई है वो जरा कम हो जाए। हर कोई अगर एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेगा, उनके साथ प्यार से डील करेगा, तो इसका बेनिफिट ही होगा, नुकसान कोई नहीं। आज इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे मनाया जा रहा है, और इस दिन को मनाने का मकसद है लोगों को जबानों की या की अहमियत से आगाह करना। इस साल का जो दिन है उसकी थीम है लोकल लैंग्वेजेस फॉर ग्लोबल सिटीजनशिप, स्पॉटलाइट ऑन साइंस। ये थीम है। अब इस थीम का मतलब मानी क्या है और इसको क्यों मनाया जा रहा है, ये तो हम जानेंगे गपशप को जुगन में, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, यानी हम मादरी जबान के ऊपर बात करेंगे। मादरी जबान के तो इंसान की वो बेसिकली शख्स की वो जबान होती है जो इसे विरासत में मिलती है, यानी जिस खानदान या घराने में वो पैदा होता है। लेकिन आजकल हम अपने बच्चों को मादरी जबान से दूर करके वो लैंग्वेज सिखाते हैं जो हमें लगता है कि सबसे ज्यादा कॉमन हो, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। मेरे साथ भी यही हुआ। जब छोटी थी तो सबसे ज्यादा अंग्रेजी के ऊपर तवज्जो दी जाती थी और घर में ज्यादा अंग्रेजी ही बोली जाती थी। ऑफकोर्स मादरी जबान तो उर्दू एंड ऑफकोर्स पंजाबी थी, लेकिन सबसे ज्यादा तवज्जो अंग्रेजी पे दी जाती थी। और आज मैं इस बात की वजह से बहुत सफर करती हूँ, क्योंकि मैं जो स्कूल में भी डाली गई वहां पे अंग्रेजी जबान पे ज्यादा जोर होता था, तो वहां पे अंग्रेजी अंग्रेजी अंग्रेजी। उसके बाद बाहर चली गई पढ़ने के लिए कैनेडा, वहां से यूनिवर्सिटी करके वापस आई, तो जब तक वापस आई तब तक उर्दू मेरी इतनी वीक हो चुकी थी और इतनी गलत किस्म की उर्दू मैं बोलती थी, और बल्कि अभी भी बोलती हूँ, जिसके लिए मैं आपसे अक्सर कान पकड़ के माफी मांगती हूँ कि प्लीज मुझे माफ कर दें। मादरी जबान की इम्पोर्टेंस तब आपको पता चलती है, तब अहमियत पता चलती है जब आपके ऊपर वो मतलब इस तरह के मौके आते हैं जब आपको मादरी जबान में बोलना होता है। अब पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क पे जिम्मेदारी है मेरी कि मैं उर्दू में बात करूं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बड़ी दफा जिस तरह भी मैंने अनफॉर्चुनेटली का वर्ड यूज किया, अंग्रेजी के अल्फाज यूज कर जाती हूँ, क्योंकि ज्यादा कंफर्टेबल या ज्यादा आसानी से मैं अंग्रेजी में बोलती हूँ। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, एक इल्तिजा है कि अंग्रेजी जरूर सिखाएं अपने बच्चों को, उसकी अपनी अहमियत है। लेकिन जैसे मैं मम्मा को भी कहती हूँ जब वो हमजा से ज्यादा अंग्रेजी में बात करती है, कि मम्मा ज्यादा इससे उर्दू में बात किया करें, क्योंकि मेरे साथ यही हुआ था कि अंग्रेजी 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 अंग्रेजी, आगे जाके भी हर किसी से अंग्रेजी में ही बातचीत की, और इंसान कट ऑफ हो जाता है बहुत से दूसरे अपने लोगों से। सो प्लीज सबसे पहले उर्दू पे तवज्जो, जो हमारी नेशनल लैंग्वेज है, और फिर उसके साथ साथ जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज है, चाहे वो पंजाबी है, सिंधी है, सराइकी है, पश्तो है, जो भी है वो भी सिखाएं। और फिर उसके साथ साथ अंग्रेजी तो स्कूल में सीख ही जाएंगे, वो तो एक नेचुरल चीज है। लेकिन एक और बात आपने नोटिस की होगी कि आजकल जो बहुत ज्यादा होना शुरू हो गया, पहले सब अपने अब्बू को, अपने फादर को अब्बू कहते थे या बाबा कहते थे, या यू नो अब्बू अब्बा या यू नो अम्मी को अम्मी कहा या माँ कहा। अब हमने कहना शुरू कर दिया है मॉम, मामा, मम्मी। फादर्स को कहना शुरू कर दिया है डैडी या डैड। बात यह कि हम बहुत ज्यादा जो नेचुरल चीजें थी हमारी, उनसे हम दूर जाना शुरू हो गए। और कुछ लोग तो पॉप्स भी कहते हैं, जो बिल्कुल ही कुछ एक अजीब सा नाम है। देखिए, गोरों में ये बात बड़ी नॉर्मल है और बड़ी नेचुरल है कि वो अपने पेरेंट्स को डैडी एंड मम्मी कहें या मॉम एंड डैड कहें, लेकिन हमारे यहाँ बहुत खूबसूरत लगता है। मैं छोटा होता था हमजा, तो वो मुझे अम्मी अम्मी कहता था, जो मुझे बहुत अच्छा लगता था। जैसे जैसे बड़ा होना शुरू हुआ, क्योंकि उसके इर्द गिर्द सारे उसके फ्रेंड्स जो है वो अपनी अम्मी को मामा कहते थे, तो वो भी मुझे मामा कहता है। कभी उसको बड़ा मेरे पे लाड है तो अम्मी कह देता है, लेकिन मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा खूबसूरत लगता है जब बच्चा अपनी माँ को अम्मी कहे या फादर को अब्बू या बाबा कहे, जो मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन खैर, ऑफकोर्स हर बंदे का अपना एक ओपिनियन होता है। एक अंदाजे के मुताबिक इस दुनिया में 6,900
12 जबानें हैं, यानी 6912 जबानें बोली जाती हैं, जिनमें से 500 से ज्यादा जबानें जो हैं वो अब खत्म हो चुकी हैं, जबकि पाकिस्तान में मुख्तलिफ लहजों के फराइक में 74 जबानें बोली जाती हैं। पाकिस्तानी की ऑफकोर्स कौमी जबान उर्दू है, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन पाकिस्तान में सबसे बोले जाने वाली जबान जो है वो पंजाबी है, जिसे 48% लोग बोलते हैं, यानी कि ऑलमोस्ट 50%, जबकि 12% सिंधी बोलते हैं, 10% सराइकी, 8% उर्दू, 8% पश्तो, 3% बलोची और 2% हिंद को जबान बोलते हैं। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, कोर्स और हम जानेंगे अपनी मादरी जबान के बारे में और पाकिस्तान की डिफरेंट लैंग्वेजेस के बारे में और इस साल की इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे की जो थीम है उसके बारे में गपशप व जुगन में। हमारी मादरी जबान हमारी शनाख्त होती है, हमारी आइडेंटिटी होती है, तो जहाँ माँ की एक सर्टन रिस्पेक्ट और रिगार्ड होती है, तो क्योंकि हमारा मुल्क हमारी माँ की तरह है तो हमारी मादरी जबान की भी उतनी ही अहमियत और रिस्पेक्ट होनी चाहिए। ये मेरा ओपिनियन है, लेकिन आपसे भी आपका ओपिनियन जानना बहुत जरूरी है। 04299200628 पे आप कॉल कर सकते हैं, mj@ptv.com.pk पे आप ईमेल कर सकते हैं, www.facebook.com/morningwithjugan पे आप फेसबुक पे ऐड कर सकते हैं, 21 महमूद गजनवी रोड पीटीवी सेंट्रल लाहौर पे खतूत, और अगर आपने ट्विटर पे ज्वाइन करना है तो juggunkazim पे ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आपने ऑफिशियल फेसबुक का पेज ज्वाइन करना है मेरा juggunkazim जुगन काजम ऑफिशियल पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन ऑफ द डे, मादरी जबान यानी कि मदर लैंग्वेज की आपकी नजर में क्या अहमियत है? मादरी जबान यानी कि जो हमारी मदर लैंग्वेज होती है उसकी आपकी नजर में क्या अहमियत है? इस सवाल का जवाब आपसे ही लेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे फेसबुक के सेगमेंट में। उसके बाद मुलाकात होगी शेफ मेजबीन से, एंड जैसे कि आप जानते हैं हम रूट्स वेजिटेबल वीक मना रहे हैं, तो आज की हमारा जो वेजिटेबल है वो है पोटेटो यानी कि आलू। आलू है तो हम सबका फेवरेट, लेकिन ज्यादातर घर में फ्रेंच फ्राइज बनते हैं या समोसे बन जाते हैं, तो हमने सोचा कि डिफरेंट डिफरेंट जो आलू की डिशेज हैं वो हम आपके साथ शेयर करें। और ऑफ कोर्स मेजबीन से वैसे ही हम ये जरूर जानेंगे कि जो बहुत क्रिस्पी वाले फ्रेंच फ्राइज होते हैं वो कैसे बनते हैं, उनसे हम एक रेसिपी होती है और उसकी बड़ी सिंपल सी एक ट्रिक होती है जो उन्होंने कल मेरे साथ शेयर की थी, तो वो डेफिनेटली हम आपके साथ शेयर करेंगे। और भी डिफरेंट डिफरेंट मेरी जिस तरह के फॉर एग्जाम्पल है आलू का भरता, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि वो जरूर बनानी है, उसके अलावा और भी वो कुछ डिशेज लेके आई हैं, तो आज वो हमारे साथ शेयर करेंगी वेरियस पोटेटो की डिशेज। उसके बाद आपकी मुलाकात होगी सादिया अरशद से, जी हाँ वो हमारे साथ होंगी। नाम, आपका पूरा नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपकी टाइम ऑफ बर्थ आपने हमारे साथ शेयर करना है, एंड प्लेस ऑफ बर्थ यानी कि आपका पूरा नाम, आपकी पैदाइश की जगह, आपके पैदाइश का टाइम, एंड ऑफ कोर्स आपकी पूरी जो सालगिरह है वो, ये आप हमारे साथ शेयर करेंगे और हम आपको बताएंगे आपके सवाल का जवाब। एंड देन आफ्टर दैट हम बात करेंगे इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे पे कि मादरी जबान की क्या अहमियत है। सवाल है मादरी जबान की आपकी नजर में क्या अहमियत है? ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स, आज इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे है। हमारा सवाल है कि मादरी जबान की आपकी नजर में क्या अहमियत है, तो आपके ही जवाब आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, एंड ऑफ कोर्स हम सबकी तरफ से आप सबको जुम्मा बहुत मुबारक हो। अनवर मियां, मादरी जबान की अहमियत को एक ईंट की तरह होती है जो बिल्डिंग को की ईंटों इकट्ठे रखता है। अच्छा, बेसिकली फाउंडेशन का एक रोल जो है वो अदा करती है। जोए बसे ने कहा है जो जबान आप ज्यादा बोलते हैं उसके अल्फाज का इस्तेमाल ठीक करके अपना ख्यालात और जज्बात का इजहार ठीक तरीके से कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक आपने कहा। कॉलर भी हैं हमारे साथ, डॉक्टर अजमल नियाजी साहब हमारे साथ हैं, और इनसे बेहतर कौन हमें हमारे आज के सवाल का जवाब दे सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके सर? जी जी मेहरबानी, आप खरीदे से हो, मैं आपका प्रोग्राम कभी देखता हूँ, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच सर। अच्छा डॉक्टर, मुझे ये बताएं कि मादरी जबान की आपकी नजर में क्या अहमियत है? अहमियत ही मादरी जबान की है। मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में जितनी कौमी जुबानें हैं वो मादरी जुबानें हैं। चीन की जुबान देखें, चीन मादरी जुबान है, चीनी, रूस की, जापान की, हिंदी,
तुर्की, मैं तुर्की में गया तो तमाम लोग तुर्की बोलते थे, एक भी मुझे आदमी नहीं मिला जो उर्दू बोलता हो, हालांकि उर्दू जो है वो तुर्की जुबान का लफ्ज है, लेकिन वहां कोई उर्दू नहीं बोलता था। वहां पर शलवार भी तुर्की लिबास जुबान का लफ्ज है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो माँ की जुबान है, जो माँ की तरबियत है, वो अगर हमारी जिंदगियों में शामिल रहे तो हम तरक्की की मंजिलें तय कर सकते हैं। अब हम सोचते मादरी जुबान में हैं, अच्छा ध्यान हमें उर्दू जुबान में आता है और बात हम अंग्रेजी जुबान में करते हैं, तो मैं अंग्रेजी जुबान के खिलाफ नहीं हूँ, ये बैन अल-अक़वामी जुबान है, उर्दू बैन अल-अक़वामी जुबान, लेकिन उर्दू मादरी जुबान नहीं है। हमारी जुबानें पंजाबी, पश्तो, सिंधी, ये कौमी जुबानें हैं। सही। अच्छा, लेकिन लेकिन राब्ते की कोई जुबान होनी चाहिए ना, राब्ते की जुबान के लिए हमने उर्दू को मुंतखब किया, तो उर्दू भी तकरीबन हमारी मादरी जुबान बन चुकी है, क्योंकि उर्दू बोलने वाले, उर्दू स्पीकिंग लोग भी यहाँ हैं, तो इसमें कोई मुखालता या कोई तनाजा नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं, मेरे ख्याल में जो आपने आज टॉपिक मुंतखब किया और जो पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है वो बेहतरीन है, और मैं समझता हूँ कि दुनिया वाले भी इस बात को, इस मामले को समझते हैं कि मादरी जुबान अफजल है, मादरी जुबान बेहतर है, मादरी जुबान मुआविल है। देखिए, हम अपने मुल्क को मादरे वतन कहते हैं, हम माँ धरती कहते हैं हम अपनी जमीन को, तो माँ माँ की जो हैसियत है उस पर गौर करना चाहिए। और वही बात है ना कि माँ की इज्जत सर आंखों पे, और वो, और जो लोग, मैं जैसे कि शुरू में भी कंप्लेन कर रही थी डॉक्टर साहब कि एट द एंड ऑफ द डे अगर मामा ने ज्यादा थोड़ी सी तवज्जो दी होती मेरी उर्दू के ऊपर और आपा की उर्दू के ऊपर और मेरे भाई की उर्दू के ऊपर, तो शायद आज उर्दू अंग्रेजी में उतनी फ्लुएंसी होती। बचपन में अंग्रेजी पे इतनी तवज्जो दी, आप जब आए भी इतनी दफा प्रोग्राम पे सर, तो मैंने आपसे शिकायत की कि देखें अब इस स्टेज पे, इस उम्र पे जब मेरा बच्चा उर्दू सीख रहा है तो मैं भी सही तरीके से कोशिश कर रही हूँ कि अपने तलफ्फुज को और थोड़ा सा बेहतर तरीके से पढ़ना सीखूं, वरना बड़ी प्रॉब्लम होती है। अपनी लैंग्वेज, अपनी मदर लैंग्वेज नहीं आप बोल सकते तो अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच का क्या फायदा। बिल्कुल ठीक है। अब देखिए, मैं एक और बात जो मैं बड़ी अहम बात करने वाला हूँ जी, वो ये है कि उर्दू जुबान हम बोलते हैं तो आधी अंग्रेजी बोलते हैं। अच्छा, उर्दू जुबान में अंग्रेजी के लफ्ज इस्तेमाल करने की क्या तुक है? नहीं तो इंग्लिश जो आजकल की जुबान हो गई है, आप अंग्रेजी बोलो। अच्छा, क्या ज्यादा अंग्रेजी बोलता था, लेकिन जब उसने उर्दू बोली तो उसकी तकरीर में एक भी अंग्रेजी का लफ्ज नहीं था, एक भी अंग्रेजी का लफ्ज कैद आजम की उर्दू में नहीं था। उन्होंने बिल्कुल साफ सीधी उर्दू बोली, और ऐसी उर्दू आज हमारे जो हुक्मरान है, कोई भी हुक्मरान हो, आज का हो, पिछला हो, वो सारे अंग्रेजी बोलते। बल्कि सदर जरदारी को तो उर्दू पढ़ना नहीं आती थी। जब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने उर्दू में हल्फ लेने के लिए ख्वाहिश जाहिर की तो उन्होंने कहा जी मैं तो उर्दू पढ़ नहीं सकता। अब देखिए, जिस मुल्क का सदर जो है वो कौमी जुबान में, और मादरी उर्दू मादरी जुबान भी तकरीबन हो चुकी है, वो हल्फ नहीं उठवा सकता, तो वो क्या फिर क्या वो सदर है इस मुल्क का। अच्छा देखिए, मैं सिर्फ एक सेकंड लूंगा आपका। मतलब मेरे आका मौला ने फरमाया कि माँ के कदमों तले जन्नत है। उन्होंने ये तख़सीस नहीं फरमाई कि माँ जवान है, बूढ़ी है, मुस्लिम है, गैर मुस्लिम है, ईसाई है, मुसलमान है। माँ 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 है, माँ सारी दुनिया की माँ जो है वो सबकी माँ है, माँ सांझी होती है। तो माँ के कदमों तले जन्नत है। तुम अपनी माँ की खिदमत करो, माँ की जो तरबियत है उसका ख्याल करो, तो तुम्हारे लिए जिंदगी जो है वो जन्नत बन सकती है। तो मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छी बात है और हमें इस पर गौर करना चाहिए। हमें पंजाबी की तरफ भी, उर्दू की तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए, और टेलीविजन पर तो पंजाबी के प्रोग्राम भी होते हैं, उर्दू के प्रोग्राम भी बहुत अच्छे होते हैं, और उर्दू खालिशतन उर्दू बोलनी चाहिए जो उर्दू है। वो लफ्ज जो हम अंग्रेजी में बोलते हैं वो उर्दू में भी है। या तो अच्छा जो डॉक्टर साहब टाइम बहुत कम है, हमने अब जाना है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग सर, आप यू बिकेम पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, वी रियली अप्रिशिएट इट। लेकिन हमें जरा आगे भी जाना है, बट जो आप बातें कह रहे हैं बहुत खूबसूरत और बहुत पते की बातें कह रहे हैं, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जी। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? जुगन, वैसे तो कुछ रह नहीं गया, मगर यही कि मादरी जुबान की अहमियत बहुत ज्यादा है। बच्चा हो, बड़ा हो, बुरा हो, हर कोई अपने जज्बात का अजहार जो है वो बातचीत से ही करता है। अपनी इसी जुबान को खूब से खूब तर बनाए तो जिंदगी जो है वो बहुत जो है वो खुशहाल हो जाएगी, मैं यही कहूंगी। अच्छा, तो आते हैं अपनी आज की रेसिपीज की तरफ। बहुत से आलू रिलेटेड बातें
बिल्कुल आज बिल्कुल हम तो आलू डे ही लगता है सेलिब्रेट कर रहे हैं इतने है ही आलू डे क्या मतलब लग क्या रहा है हम आलू डे ही सेलिब्रेट कर रहे हैं बिल्कुल आज बहुत सारी चीजें बन रही हैं आलू के समोसे आलू के चीज रोल और उसके अलावा आलू का आपका फेवरेट जो है वो मक्खन के बगार वाला भरता बन रहा है और आलू के पराठे नहीं बन रहे आलू के पराठे जुगन हर घर में बनते हैं हमने इतनी दफा बनाए हैं आज हम ये छोटी छोटी चीजों पे जो है फोकस करके कवर करेंगे एक आलू का रायता भी बन रहा है वो भी आपकी फरमाइश पे बन रहा है कल आपको मूली वाले पराठे नहीं खिलाए हाँ मैंने कल इस वजह से खाए थे कि आज आलू के मिलेंगे मुरब्बतन खाए थे अच्छा चले आ जाते हैं ठीक है जो सबसे पहले दो रेसिपीज बस मैं शेयर करूंगी आलू का रायता ये वर्बली सा बता दूंगी बाद में सबसे पहले आलू का जो भरता हम बना रहे हैं उसके लिए आलू लेंगे हम आधा किलो इनको बॉईल करके मैश कर लेंगे प्याज इसमें एक अदद मक्खन इसमें दो खाने के चम्मच नमक हसबे जायका सुर्ख मिर्च एक खाने का चम्मच इसमें दड़ा मिर्च हम यूज करेंगे जीरा एक चम्मच है सुर्ख मिर्च साबुत पांच अदद लीमू का रस इसमें दो खाने के चम्मच अनारदाना एक चम्मच साबुत धनिया एक चम्मच कलवंजी इसमें आधी चम्मच है हरी मिर्चें दो अदद और हरा धनिया एक खाने का चम्मच आलू को बॉईल करके आपने इसमें दो टेबलस्पून जो बटर है उसमें से एक टेबलस्पून गरम गरम में आपने मिक्स करना है उससे ये होगा कि सारा बटर का फ्लेवर आलूओं में आ जाएगा साथ ही आपने नमक मिर्चें शामिल की उसके बाद जो बाकी का एक टेबलस्पून बटर है उसमें आपने कलवंजी साबुत धनिया और उसके अलावा जो है थोड़ा सा इसमें अनारदाना शामिल करना चाहें उसमें शामिल कर लें वरना इसमें आप शामिल करके बिल्कुल हल्का सा सौते करें अगर आपको कड़ी पत्ते मिलते हैं तो इसमें कड़ी पत्ते भी जाते हैं और वो मोटी वाली जो राउंड बिल्कुल जो साबुत मिर्चें हैं वो इसमें शामिल करें जीरा शामिल करके जैसे ही वो लाइट गोल्डन कलर का होगा आपने इसके ऊपर बघाड़ लगा देना है इसमें एक अदद आप प्याज भी चॉप करके शामिल कर लें उसके बाद हरा धनिया हरी मिर्चें और आपका ये आलू का जो भरता है खट्टे वाला लीमू का जूस सबसे लास्ट स्टेज पे हम इस पे ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे और ये हमारा रेडी हो गया कई दफा जुगन दिल नहीं भी करता कुकिंग करने को झटपट वाली चीज बनाने को दिल करता है तो आप ये बना लेंगे मेरे ख्याल 10-15 मिनट में रेडी हो जाए और इसी भरते को बाय द वे आप पराठे के अंदर यूज कर सकते हैं बिल्कुल बहुत मजे का होता है और जो दूसरी हमारी है वो है पोटैटो चीज रोल इसी की थोड़ी वेरिएशन करके समोसे आप बना सकते हो इसी की आप आलू की वो पराठे वाली फिलिंग भी बच्चों को बना के दे सकते हो वो पोटैटो चीज वाले पराठे बन जाएंगे एक चीज से बहुत ज्यादा इसमें वेरिएशन करके आप चीजें बना सकते हो पोटैटो चीज रोल बनाने के लिए आलू एक किलो बॉयल कर ले उसके बाद इसमें नमक हसबे जायका काली मिर्च पिसी हुई आधी चाय का चम्मच चिकन पाउडर एक चम्मच चेडर चीज एक कप और इसके जो रोल की हम पट्टी बनाएंगे उसके लिए मैदा दो कप नमक इसमें क्वार्टर चाय का चम्मच पानी हसबे जरूरत और इसमें हम घी या ऑयल दो चम्मच यूज करेंगे और ऑयल फ्राई करने के लिए हसबे जरूरत इस डो को जिस तरह हम पराठों की यही डो हमारे पराठों में यूज होती है इसी के साथ समोसे बनते हैं समोसों में ये होता है कि जुगन उसमें जीरा और थोड़ी सी हम अजवाइन यूज करते हैं वो आपकी समोसों के लिए डो तैयार हो गई ये जो सिंपल वाली है ये आपकी रोल के लिए तैयार होगी आपने बेली इसमें वो जो चीज मिक्स की हुई है आलू को आपने यानी बॉयल किया मैश किया उसमें आपने चेडर चीज शामिल की नमक काली मिर्च और चिकन पाउडर जस्ट सिंपल इसको मिक्स कर लिया और आपने वो फिलिंग रेडी कर ली अगर आप इसको आलू कट करके चॉप कटिंग करके शामिल करना चाहते हो तो आप उसी तरह हल्का सा सॉल्ट करके मिर्च डाल दें तीखा फ्लेवर के लिए बिल्कुल ये आपकी मर्जी है वेजिटेबल के साथ भी बनाना चाहते हो तो आप आलू के साथ कोई भी सब्जी ऐड करके उसको बना सकते हो और जिस तरह ये आलू का रायता है बहुत सिंपल है उसमें दही में नमक काली मिर्च और जीरा भुना हुआ शामिल करेंगे उसके बाद प्याज टमाटर और उसके अलावा इसमें हम आलू बॉईल किए हुए जो है वो शामिल करेंगे और हमारा ये आलू का रायता रेडी हो जाएगा वंडरफुल एंड फाइनली आलू के चिप्स का आपने बताया था कि आलू के चिप्स को काट के फिर क्या करें जुगन सबसे पहले आपने उसको वो फ्रेंच फ्राइज की शेप में फिंगर्स में कट कर लिया उसके बाद आपने पानी बॉयल रखा पानी में जैसे बॉयल आया आपने वो तमाम जो चिप्स काटे हुए हैं वो उसमें शामिल करके जस्ट एक बॉयल आएगा तो आपने उनको किसी स्ट्रेनर में निकाल देना है और गरम गरम के ऊपर आपने कॉर्नफ्लोर एज इट इज पाउडर फॉर्म में उसके ऊपर लगा देना है छिड़क देना अच्छी तरह कोट हो जाए वो और उसी सूरत में आप उसको फ्रीज कर सकते हैं या आपको जो पैकेट्स बने बनाए मिलते हैं इसी तरह आप पैकेट बना के फ्रीज कर सकते हो जैसे ही आपको जरूरत हो आप निकालो उनको फ्राई कर लो ठीक बहुत इजी मेथड है और इससे बहुत ज्यादा क्रिस्पी बनते हैं ठीक है और एक जो अगर बैटर वाले मोर आप इसको क्रिस्पी करना चाहते हो तो इसी सूरत में निकाल के और कॉर्नफ्लावर या मैदा लेके उसको हल्का सा बैटर बना के नमक काली मिर्च थोड़ी सी डाल दें उस बैटर में डिप करें और इनको डीप फ्राई कर लें और थोड़ा सा चिकन पाउडर भी डाल दें तो मजे उससे जरा चिकन का भी फ्लेवर बीच में आ जाएगा सही तो फ्रेंच फ्राइज होते तो बहुत आसान है लोग कंफ्यूज होते हैं बेसिकली ट्रिक ये है कि उनको हाफ बॉइल करें जल्दी से उसको गर्म पानी में उबलते गर्म पानी में डालें बॉइल करें निकाल लें स्ट्रेन कर लें ऊपर उसके या तो आप कॉर्नफ्लोर डाल दें और उसको और थोड़ा सा नमक मिक्स करके और ऊपर से डाल दें फ्राई कर दें आपके क्रिस्पी वाले चिप्स रेडी हो जाएंगे तो हमें एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे ब्रेक के बाद सादे अर्शद हमारे साथ होंगी और उनसे जानेंगे आपकी किस्मत का हाल
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स, असादी अरशद हमारे साथ है और आपकी किस्मत का हाल बताएंगी। अस्सलाम वालेकुम और जुम्मा मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, जुम्मा आपको भी मुबारक हो। बहुत कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। कल बड़ी डिनर पे गई हुई थी आप बच्चों को लेके? बस आपको पता है कभी कभी बच्चों के साथ एंटरटेनमेंट करनी पड़ती है। अच्छा, कभी कभी? जब भी टाइम मिल जाए। हर वक्त में? मेरी तो वैसे कोशिश होती है हर वक्त, लेकिन जब भी टाइम। मैंने तो वैसे नोट किया हर वक्त ही होती है, लेकिन इनको लगता है कि बहुत कम होती है। ये हमारी डिबेट चलती रहती है जो अपनी जगह ठीक है। हाँ, ये भी बात है कि आप एक्चुअली सब आई थिंक जो वर्किंग वुमेन होती है या जो वर्किंग मदर्स होती है, वो जितना भी टाइम दे दें बच्चों को कभी लगता है कि शायद कम है, कभी खुद को लगता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि आप जितना भी टाइम दो, वो अच्छा टाइम अगर हो तो दैट इज द बेस्ट थिंग, क्वालिटी टाइम हो तो बेस्ट। और गिल्टी गिल्ट है, हाय बड़ा कभी कभी फील होता है। लेकिन आ जाते हैं लोगों की किस्मत के हाल। बिल्कुल ठीक है। फौजिया ने सरगोधा से लिखा है, डेट ऑफ बर्थ है 2/2/1980 जी। जरीन ताज इनकी माता का नेम है। शादी कब होगी? मंगनी टूट चुकी है। अच्छा जी, पहली बात तो ये है कि जब कभी भी दोबारा शादी की तरफ या जो मंगनी का जो भी प्रोसीजर की तरफ जाएं, तो प्लीज काइंडली कंपेटिबिलिटीज को पहले चेक कराया करें, रादर देन कि आप लोग बाद में पूछते हैं। 2014 जून जुलाई से लेकर 2015 जून जुलाई तक का टाइम पीरियड इनके लिए अच्छा है। इसी टाइम पीरियड में इनका रिश्ता तय पाना, एंगेज्ड हो जाना, रिश्ते में चले जाना, ऐसे मामलात आ जाएंगे। परेशानी की कोई बात नहीं है, कंपेटिबिलिटी चेक कराइएगा। और अगर कोई ऐसा प्रपोजल आता है जिसमें एज गैप ज़्यादा होगा, तो उसको भी कंसिडर करना है, उसको भी चेक करना है, क्योंकि वहाँ पर भी हो सकता है इनके लिए कोई ना कोई बेनिफिशियल कोई मामला आ जाए। रफाकत अली 6/6/1992 गुलशन परवीन कसूर, मलेशिया में हूँ मगर कोई काम नहीं मिल रहा, बहुत परेशान हूँ। ओके, पहली बात तो ये कि इनको फॉरन जाके अपने लिए जॉब या रिस्क की जो तलाश है वो यूं करनी ही नहीं चाहिए थी। सम हाँ, मुझे से लगता है कि इनकी वापसी हो जाएगी और अगले 4-5 महीनों तक, और उसके बाद जो होगा इनके लिए को हो सकता है दोबारा आफ्टर 2 ईयर्स कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस बने कि ये बाहर जा सके। तब तक यहीं पे रहेंगे। तब तक अभी मेरा उनको मशवरा ये कि मई जून तक जहाँ पे इस वक्त ये हैं वहाँ पे ट्राई करें, अगर कुछ होता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज फिर इनकी वापसी। और एज भी इतनी कम है, कुछ हो ही जाएगा। अच्छा, शेरबानो का लेके उसके बाद हम स्टार्स की तरफ आएंगे। सबसे पहले शेरबानो 7/12/1990 रिहाना बीबी इनकी मदर का नाम है। फैसलाबाद से, मेरी शादी कब होगी? लव हो जाएगी। पहली बात तो ये कि छोटी एज की शादी में इनको प्रॉब्लम आएगी, लिहाजा ये जब हो जाएंगी कोई 28-29 साल की तो तब जाके शादी स्टेबल रहेगी। आई नो कि ये जवाब सुनना अक्सर लोगों को पसंद नहीं होता है, उनके वो शायद ड्रीम्स और सब कुछ बहुत वो अर्ली एजेस में ज्यादा होते हैं। लेकिन है मेरा इनको मशवरा ये कि ये थोड़ा सा इस चीज़ को अगर डिले में ले जाए तो बेहतर है। वैसे तो इस साल के एंड तक इनका रिश्ता होता हुआ नजर आता है मुझे, लेकिन उस रिश्ते में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, यानी कि रिश्ते का होना और उसका खत्म हो जाना, जरूर कंपेरिजन कराएं। और फिर दूसरी बात जो जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि अगर इनका कोई डिले आता है या इनको कोई प्रॉब्लम आती है, रिश्ता होता है टूटता है दो, अगर एक दो बार भी अगर ऐसा होता है तो परेशान ना हो, इनकी किस्मत में ऐसी चीज है। लिहाजा शादी और मंगनी का जो टाइम पीरियड है उसको लंबा कर दें, रादर मैरिज होगी। मुश्किल है काफी इनकी शादी, वो आएगी फैमिली की पसंद से। नेक्स्ट अब चलते हैं स्टार्स की तरफ। जी बिल्कुल जी, चलते हैं। सबसे पहले जी एरीज वर्ज हमल, और हम बता रहे हैं आज के दिन से लेकर 27 तक की, यानी कि नेक्स्ट थर्सडे तक का। और इन लोगों के लिए जी ओवरऑल सर्कमस्टांसिस बेहतर है, लेकिन इस वक्त अच्छे खासे डुअल माइंडेड भी हैं, परेशानी भी आ सकती है पर्सनल लाइफ में भी, बहुत से प्लैनेट्स का सेवंथ हाउस में होना ये कॉम्प्लिकेशंस लेकर आता है रिलेशनशिप्स में, आइदर पार्टनरशिप घर में हो या बाहर की पार्टनरशिप यानी कि वर्क पार्टनरशिप, दोनों में कहीं ना कहीं मेजर प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। सो यहाँ पे इनको बहुत सोच समझ के फैसले करने हैं, इनकी पिछली चीज़ों का खत्म होना, नए मामलों का सामने आना, खासतौर जो डेट्स बता रही पढ़ाई लिखाई 23rd 24th इन डेट्स में ये बहुत एहतियात करें। मून की पोजीशन अच्छी नहीं है, इनको किसी किस्म का लॉस आ सकता है। जो भी नया मामला, नया रिस्क या जो नया काम करना होगा वो 26 ऑनवर्ड्स करें तो इनके लिए बेहतर है। पढ़ाई शराई का मामला बिल्कुल ठीक रहेगा। मरकरी रेट्रोग्रेड है, इसलिए कम्युनिकेशन में या समटाइम्स स्टूडेंट्स को याद करने में या इस चीज़ों में अगर प्रॉब्लम आती है तो उसमें जरा अल्लाह का एक बड़ा प्यारा नाम है या कवि या यादाश्त के लिए होता है, अगर उसको रिसाइट करें तो बहुत अच्छा होता है सब स्टूडेंट्स के लिए। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं जी टॉरस बुड सौर।
टॉरियंस आ अ ग्रेट टाइम पीरियड, इनफैक्ट अ परफेक्ट टाइम पीरियड. बड़े लंबे अरसे के बाद टॉरियंस की सकत जो है ना, किस्मत माशाल्लाह बड़ी फेवर दे रही है इनको. चाहे वो ट्रेवल हो, चाहे इनकी कोई ना कोई सडन गेन्स हो, प्रॉपर्टी बाइंग सेलिंग हो, कुछ भी हो, इस वक्त में इनको अच्छे खासे बेनिफिट्स होंगे. थोड़ा सा हेल्थ का ख्याल रखें ये लोग इस वक्त, जिनको खास तौर पे लोअर बॉडी से रिलेटेड, यानी कि किडनी से रिलेटेड या लिवर से रिलेटेड, बैक एक्स, इस तरह के अगर इश्यूज खास तौर पे हैं, वो थोड़े से ज़रा केयरफुल हो जाएं. बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अ परफेक्ट टाइम पीरियड, और ख़ास तौर पे इनके लिए जो मज़ीद अच्छी जो इनको सिचुएशन मिलेगी वो आफ्टर 26 मिलेगी. सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में और भी अच्छी बातें होंगी टॉरियंस के लिए. नेक्स्ट स्टार जेमिनाइज बुर्ज जौजा. जेमिनाइज, एक तो इस वक्त इनकी पर्सनल लाइफ में बड़ी अच्छी हैपनिंग्स हैं, सब कुछ है. यहाँ पे जो शादी से पहले के मामला, यानी कि रिश्ता तय होना, ये सारे मामला जो है वो इस वक्त बड़े अच्छे तरीके से इनके फुलफिल होंगे. और जब आपको लगे कि मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आ रही है तो उसका रीजन जुगन होगी, क्योंकि ये मुझे मुस्कुरा के नॉड करती हूँ, तुम मुस्कुरा करके देख रही थी क्या होगा. आज मैंने भी मुकाबले में काले कपड़े पहने. हाँ बस मैं क्या करूँ, तुम्हारी मोहब्बत में. अच्छा जी, तेरी काली गुलाबी फुलावा, पता होता ना कि तुमने ये पहन लिया तो फिर मैं तुम्हें भी कहती हूँ गुलाबी फूल पालो. यार जब जब काले की कॉम्बिनेशन पहनी हुई है. हाँ मैजबी ने भी पहनी हुई है. सही, आज ब्लैक ब्लैक दुपट्टा है. अच्छा जी, फॉर ऑल जेमिनाइज यानी कि बुर्जौजा वालों के लिए सिचुएशन बहुत अच्छी है. जो इनके लिए डेट्स आ रही हैं 25-26, इसमें इनकी पर्सनल लाइफ में डेफिनेटली कोई अच्छी हैपनिंग होगी, कोई अच्छे मामला आएंगे, कमिटमेंट्स या जो रिश्ते देख रहे हैं और अभी तक कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, इसी टाइम पीरियड में डिसीजन आएंगे. पीआर में यानी कि जो रिलेशंस हैं या आपके जो पब्लिक रिलेशंस हैं उसमें इस वक्त ज्यादा इजाफा होगा. ट्रेवल इज वेरी आइडियल फॉर यू गाइज. लवली. नेक्स्ट है जी कैंसेरियंस और बुर्ज सरतान. कैंसेरियंस, इस वक्त थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस, चीजें उलझेंगी जरूर. जो खास तौर पे इनकी फैमिली लाइफ है या पेरेंट्स साइड है वहाँ पे थोड़े से, या घर में जो छोटी छोटी नोक झोंक जो चिख चिख वाला जो सीन है वो ज़रा रहेगा. इसमें इनके अपने मिजाज ही बहुत ज़्यादा रहेंगे हाई, और कहीं ना कहीं बहस में चले जाना, कुछ इस तरह की चीज़ें इनको बार बार प्रॉब्लम देंगी. सो वहाँ पे थोड़ा सा ख्याल रखें. इस वक्त इनके जो मिजाज हैं खुद के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम, समटाइम्स आपके अपने मिजाज हमारे खुद के लिए प्रॉब्लम्स बन जाते हैं. सो कुछ इस तरह की सिचुएशन है. एनीवे ठीक हो जाएंगी 26 के बाद, इनके लिए चीज़ें काफ़ी बेहतर हो जाएंगी, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो चाहे वो और चीज़ें हों. एज सन इनके है इस वक्त 8th हाउस में, सो थोड़ा सा जो इंजरीज वूंड्स या कोई अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आती है उसमें ख्याल रखें. खास तौर पे इस टाइम पीरियड में थोड़े से सदकात दें, ताकि थोड़ा सा जो एक टफ टाइम इनके ऊपर चल रहा है उसमें थोड़ी सी सदका खैरात तो रेगुलरली देनी चाहिए. बेशक जो कहते हैं ना नजर का एलिमेंट, मतलब मैं ये नहीं कहती कि है नहीं है, वो अपनी जगह है चीज़, बट बात यह कि जनरली जब आप अच्छा करेंगे तो आपके साथ अच्छा होगा ऑन अ वेरी बेसिक लेवल. एक्चुअली क्या होता है कि समटाइम्स आप बहुत प्रोमिनेंट हो रहे होते हो, ऐसे लोगों की नजरों में आए हुए होते हो, तो बेहतर होता है कि अगर आप सत्कार देते हो, तो वैसे भी कहते हैं सत्कार बहुत सी बलाओं को टालते हैं, तो बेशक इसमें बहुत ज्यादा रिलीफ मिलता है इंसान को. सही. अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं लियोज बुर्ज असद. इस वक्त लियोज के लिए बहुत अच्छे हालात है, बेहतर चीज़ें भी हैं. अदर देन दिस के ये थोड़ा सा अगर उलझे ना और कश्मकश में ना जाएं कि मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ओवरऑल इस वक्त सिचुएशन बहुत फेवर भी देगी. नई पार्टनरशिप्स आएंगी, जो लोग वर्क पार्टनरशिप के हवाले से ज़रा थोड़े से कंसर्न है उनके लिए नई पार्टनरशिप्स हैं. जो लोग ट्रेवल करना चाह रहे हैं दिस इज अ गुड टाइम पीरियड. स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है, अच्छे रिजल्ट्स, अच्छी चीज़ें, एडमिशन्स अच्छे आगे मिलने, इस तरह की चीज़ें आएंगी. जो लोग ट्रांसफर्स, जो लोग अपने वर्क में जो ट्रांसफर, जो सिटी टू सिटी ट्रांसफर्स हैं उसमें हो सकता है इस वक्त उनको अनफेवरेबल कुछ सिचुएशन मिले, बट बाय द टाइम वो भी ठीक हो जाएगी. इस टाइम पीरियड पे जो जिस तरह से भी हो रहा है उसको लेट इट गो, क्योंकि आफ्टर अ मंथ इंशाल्लाह चीज़ें काफ़ी बेहतर होगी. ये मर्क्यूरी की सिचुएशन कब ठीक होगी, क्योंकि आई थिंक मर्क्यूरी से काफ़ी मेस मच रहा है ना लोगों के लिए. मर्करी रेट्रोग्रेड है, जिसको हम रुजत की हालत या उल्टी चाल कहते हैं, उसको अरबी में रुजत की हालत कहते हैं. ये जो इस वक्त, क्योंकि इसको मर्करी रिलेट करते हैं कम्युनिकेशन से, तो लोगों की बातचीत या जो डिफरेंट हर एक पे वेरी करते हैं कि उसके बर्थ चार्ट में क्या पोजीशन है, तो वो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम्स देते हैं. समटाइम्स ऐसी बात नहीं करनी होती है, लेकिन स्लिप ऑफ बेसाख्ता मुझे निकल जाती है. बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही हो रहा है. एनीवे कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा बाय द एंड ऑफ दिस मंथ.
अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं वर्गोज, बुध, सुमला, वर्गोज, इन लोगों के लिए ओवरऑल बहुत अच्छे मामलात हैं। 26 तक वीनस की ऐसी पोजीशन है, कोई भी चेंज, पर्सनालिटी चेंज, कोई भी ऐसा मामला हो वो आ सकता है। उसके बाद इनकी पर्सनल लाइफ बहुत बेहतर हो जाएगी, या जो इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स रिलेशन में आ रही थी वो भी ठीक हो जाएंगी। एज जिस तरह भी आप मरकरी की बात करे थे, तो जो होते हैं ये सुम्बला वाले, इनका लॉर्ड ही मरकरी होता है, तो इनके लिए बहुत से मामला, यानी कि ये खाम खोलज नहीं है, मिसकम्युनिकेशन है, किसी को कुछ कह दिया, किसी से किसी बात पे लड़ पड़े, कोई इनको मिसगाइड करेगा, बहुत सी चीजें होंगी। तो इस टाइम पीरियड में सही डायरेक्शंस में नहीं, तो इट्स मोर बेटर, बाय द टाइम चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन इस वक्त में इनके इर्द गिर्द ही कुछ लोग हैं जो इनके लिए बहुत स्यापे और रोले डाल के बैठे। अफराज एंड तफरीज के नोट पे हम एक ब्रेक लेंगे। आपको हम सबकी तरफ से जुमा बहुत मुबारक हो। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बाकी के सितारों का हाल और ऑफ कोर्स कुछ और लोगों के जायचे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। बाकी के छह सितारों का हाल बताना बहुत जरूरी है और वो भी बताएंगे, लेकिन जल्दी से ट्विटर के जो हमारे कुछ फॉलोअर्स हैं उनके जवाब। सहर 69 1985 5 AM गुजरात, ट्विटर पे इन्होंने लिखा है, शादी होने वाली है, मैरिड लाइफ कैसी होगी, हस्बैंड कैसा होगा, माली हालात कैसे होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा होगा, बल्कि आई मस्ट से कि खुद बहुत डोमिनेटिंग होगी, सो काफी ज्यादा इनका जो असर सूख है अपने खामन पे रहेगा, सो दैट्स क्वाइट पॉजिटिव फॉर हर। इंशाल्लाह अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ इंशाल्लाह। अच्छा, नेक्स्ट है तनवीर, 16/1/1991 10:30 PM गुजरात। तनवीर 16/1/1991 10:30 PM गुजरात, काम में सडन लॉस हो जाता है, हालात कब ठीक होंगे और क्या इनके लिए दुबई जाना ठीक रहेगा? अच्छा, इनके लिए ऐसा है कि बिल्कुल बाहर ये जा सकते हैं, लेकिन फिर वही बात है कि शॉर्ट विजिट होगा। जहाँ तक काम में सडन लॉस की बातें कर रहे हैं, तो समटाइम्स इनकी कुछ अपनी मिस्टेक्स हैं, कंसिली मिस्टेक्स कह लें, कुछ इस तरह की चीज़ें, ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह जुलाई के बाद। इनके सर्कमस्टांसेस इसी साल की जुलाई के बाद काफ़ी बेहतरी आएगी। नवीद 19/6/1987 8:30 PM प्रमोशन के बारे में जानना चाह रहे हैं, ये जानना चाह रहे हैं कि शादी कब होगी और कैसी रहेगी। प्रमोशन तो इनकी इसी कुछ मे बी इन अ मंथ और टू एक्सपेक्टेड है, और शादी के लिए भी ये साल जो है इनके लिए काफी ज्यादा बेहतरी का साबित होगा, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर या 2015 का शुरू, इंशाल्लाह इनके लिए काफी बेनिफिशियल और शादी अच्छी रहेगी अल्हम्दुलिल्लाह। चले फाइनली मोहम्मद हनान हमजा, 27/1995 सिंपल सा सवाल है, प्लीज मोहम्मद हनान हमजा एंड एवरीवन एल्स पूरी इन्फॉर्मेशन दिया करें, अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपनी प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम अगर पता चल सके, दोपहर शाम व्हाटएवर। फील्ड कौन सी इनके लिए ठीक रहेगी, फैशन डिजाइनिंग या फिल्म मेकिंग? पहली बात तो ये है कि ये अपनी फैमिली से हटके बहुत किसी डिफरेंट सी फील्ड में जाएंगे, रहेंगे समहाउ मीडिया रिलेटेड ही, किसी भी तरह से क्रिएटिव माइंडेड है, लेकिन फिल्म मेकिंग इज अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आई एम सजेस्टिंग हिम कि अगर ये उस तरफ जरा ज्यादा ना जाएं और दूसरी तरफ रहें तो ज्यादा फैशन की फील्ड की तरफ। जी बिल्कुल, ठीक है डन। अब आ जाते हैं बाकी के स्टार्स, आई थिंक लिब्रा से हम स्टार्ट करें। जी बिल्कुल जी, लिब्रा, बुर्ज, मिजान, लिब्रा इन लोगों के लिए ये टाइम पीरियड बेहतरी का है, लेकिन बहुत से प्लैनेट्स का रेट्रोग्रेशन में होना, यानी कि रुजत की हालत में होना, वो इनको इस वक्त कन्फ्यूजन में भी बहुत ज्यादा रखेगा। कच्ची बहुत हुए होंगे, छोटी छोटी बातें इनको फील होंगी, बहुत जल्दी से परेशान हो जाना, कॉम्प्लिकेशंस में चले जाना, बाय द टाइम ठीक हो जाएंगे, लेकिन इस टाइम पीरियड में जो मेरा इनको सजेशन होगा, थोड़ा सा जरा इस वक्त कूल डाउन होकर चलें, थोड़ा सा सिचुएशन को संभल के चलें, तो 28 यानी कि ये जब महीना ख़त्म होता है तो इसके बाद इनके हालात मामलात काफ़ी बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। उससे पहले जरा जो बहुत ज्यादा ओवर सेंसिटिव हुए में उसको थोड़ा सा जरा काबू में रखें। ठीक है, ठीक है जी। उसके बाद आ जाते हैं जी स्कॉर्पियोज, स्कॉर्पियोज इन लोगों के लिए जो है बहुत सी चीजें, बहुत से मामलात अच्छे हैं, कुछ चीज़ों का ख़त्म होना, नई चीज़ों की तरफ जाना, नए मामलात की तरफ जाना, ऐसी बातें तो इनकी लाइफ में हैं। इस वक्त में जो इनको ज़्यादा ज़रूरत है वो ये है कि ज़रा अगर कोई अदालती मामला अगर कोई चल रहा है, कोई कोर्ट कचहरी का मामला, उसमें थोड़ा सा इस वक्त अपने आप को ज़रा होल्ड ऑन रखें, क्योंकि वहाँ पर इनको लॉस हो जाने के बहुत ज़्यादा चांसेज हैं। चीज़ें ठीक हो जाएंगी बट नॉट रियली नाउ, कुछ अरसे के बाद, कुछ महीने दो महीने के बाद। अभी फिलहाल वैसे स्कॉर्पियंस के लिए एक ओवरऑल सजेशन है कि नवंबर तक
कोई बड़ा रिस्क ना लें किसी भी किस्म का, क्योंकि ये को हम सैटर्न टाइम पीरियड यानी कि साठ सदी कहते हैं, जो कि नवंबर में इनका एक साल खत्म होगा, उसके बाद सिचुएशन डिफरेंट आएगी। वैसे तो बर्थ चार्ट पर्सनल बर्थ चार्ट पे बहुत वेरी करता है, लेकिन और ओवरऑल स्कॉर्पियंस को ये सजेशन है कि वो इस वक्त बहुत बड़े रिस्क हाथ हौला रखें। नेक्स्ट अप उसके बाद आ जाते हैं जी सजिटेरियंस। सजिटेरियंस बुर्ज कॉस, इन लोगों के लिए भी ओवरऑल एक तो पर्सनल लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी रहेगी। कुछ 26 के बाद जो जुनून भूत सवार हैं इनके ऊपर मोहब्बत के, उनका जरा मिजाज टेम्परमेंट जरा हल्का होगा। इस वक्त में एक अच्छे खासे इश्क की दौड़ में जो है ये चल रहे हैं, तो वहाँ पे ये है कि कोई ना कोई बेहतरी भी आएगी इनकी पर्सनल लाइफ में, इनके रिलेशनशिप्स में, लेकिन थोड़ा सा अपने जज्बात को जरा होल्ड ऑन करें, उसके बाद जाके जरा राइट डिसीजन की तरफ आएंगे। बाकी किसी भी किस्म का कोई इन्होंने कोई ऐसा काम करना हो जिसमें कोई एग्रीमेंट्स, कोई साइन, कुछ इस तरह की चीजें हों, उसमें थोड़ा सा केयरफुल रहें। किसी को वैसे कह दिया सादिया कि ये नहीं करना तो ये तो मतलब सबके काम रुक जाएंगे। मैंने कब कहा है सबको? सजिटेरियंस को अब तक कहा है, और दूसरे नंबर पे मैंने अगर मैंने सबसे पहले कहा था एरीज को और नाउ सजिटेरियंस। नहीं, अभी आपने से पहले भी कहा है स्कॉर्पियंस को कि शुरू होते हैं खत्म होते हैं, लेकिन वो भी नवंबर तक ना करें। नहीं, वो तो नवंबर तक तो उनकी साठ सती आती है ना। वैसे तो इस वक्त अगर देखा जाए तो लिब्राज भी साठ सती में है और वर्गोज भी साठ सती में, जिनकी अब एंड हो रहा है, और जो लिब्राज है इनके लिए अभी एक डेढ़ साल है। जो ये अभी बेचारे स्कॉर्पियंस है ये तो भी फंसे हैं, उनको मैंने कहीं में भी साइन एग्रीमेंट्स के लिए कुछ नहीं कहा है। इनको मैंने कहा जहां पे इनके रिटन मामलात आते हैं सजिटेरियंस के लिए, दे नीड टू बी वेरी केयरफुल, सजिटेरियंस और एरीज दोनों के लिए। अच्छा जी, इनके लिए सकत जो है वो खाने पीने की शौकीनी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ेगी। सो कुछ इस तरह के चांसेस भी है, वेट पुट ऑन के भी बहुत ज्यादा चांसेस है एज मर्करीज देयर रेट्रोग्रेशन में, तो खाम खा के जो चस्के होते हैं ना वो जरा सामने आते हैं। इस वक्त हेल्थ का भी सजिटेरियंस ख्याल रखें। अब कैप्रिकॉन में ऐसी कोई फजूल बात नहीं कहनी। अच्छा, कैप्रिकॉन्स अच्छा जी, कैप्रिकॉन्स ओवरऑल पहले से बहुत बेहतर सिचुएशन है, मगर आफ्टर 26 मजीद बेहतरी आएगी। जो होल्ड ऑन पे चीजें हैं जिसका भी आप ब्रेक में भी जिक्र कर रही थी, उसको भी होल्ड ऑन, वो एग्जिस्ट करनी चाहिए, उनकी एग्जिस्टेंस इस वक्त इम्पॉर्टेंट है। 26 के बाद चीजें आपकी जो है वो इंशाल्लाह ताला बहुत बेहतर हो जाएगी, क्योंकि 22 के बाद या 21 के बाद जो सिचुएशन थी उसमें अगर कोई चीजों का खत्म होना होता तो वो ओवरऑल खत्म हो गई होती। सो इफ थिंग्स आर कैरी ऑन, सियापा का पीरियड खत्म हो गया, अब बस 26 तक सिचुएशन बेहतर हो जाएगी और उसके बाद चीजें इंप्लीमेंट होना शुरू हो जाएंगी इंशाल्लाह। ओवरऑल चीजें बेहतर हैं, एज सच देयर इज जस्ट नथिंग नेगेटिव। सिर्फ इस वक्त में जरा जज्बात और गुस्से में आपने आके तो बहुत से फैसलों को इधर से उधर नहीं करना है। बाकी ट्रस्ट मी, अ वेरी गुड टाइम पीरियड, और इंशाल्लाह जिस तरह मैंने कहा कुछ दिनों के बाद और मजीद अच्छे मामलात इंशाल्लाह आएंगे सामने। ठीक है जी, अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं जी एक्वेरियंस। एक्वेरियंस इन लोगों के लिए, बुर्ज दिलों इन लोगों के लिए ओवरऑल तो सिचुएशन बहुत अच्छी है, नेम फेम स्टेटस, थिंग्स आर गेटिंग बेटर। कुछ जो इनके और इन्होंने इस टाइम पीरियड में खास तौर पे अगर कहीं पे कुछ दुश्मनियाँ, कुछ इस टाइप की चीज़ें या कुछ जो रकीब टाइप लोग होते हैं वो कोई इर्द गिर्द थे उनके ऊपर अच्छे खास से इन्होंने इस वक्त जरा गालिब हो गए हैं। सो ये इनके लिए तो ये इस वक्त इनके लिए काफी पॉजिटिव चीज है। और बाकी ये है कि एज अ जुपिटर इनके है इस वक्त फिफ्थ हाउस में, सो काफी ज्यादा बेहतरी आएगी रिलेशनशिप्स में, शादी या कोई चीजों को ये लोग प्लान कर रहे हैं तो वहां पे इनकी लाइफ में कोई अच्छी हैपनिंग आखिरकार आ ही जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं लास्ट हमारा जो जॉडिक साइन है पाइसेस, बुर्ज हूत। अच्छा, तो आपकी सालगिरह कब हुई? क्योंकि देखें ये तो कुछ आगे पीछे ही आने वाली है। हाँ, ये मेरी 16 मार्च है। अच्छा, यानी कि अभी दूर है। हाँ, अभी दूर है क्योंकि मेरे भाई की कल है। अच्छा अच्छा, मेरी बहन की 28 को है नेक्स्ट फ्राइडे। आप सब भी शेयर करेंगे, आप सब की सालगिरह। अच्छा जी, पाइसेशंस इन लोगों के लिए ये टाइम पीरियड बार-बार प्रॉब्लम्स कॉम्प्लिकेशंस लेकर आता है एज मार्स इन द 8th हाउस, जो कि इनको जो इनके माशाल्लाह जो कुछ होते हैं ना दोस्त नुमा दुश्मन भी होते हैं वो इनके ऊपर इस वक्त अच्छे खासे जो है वो प्रॉब्लम्स के बायस मुझे क्यों देख देख के बोल रही हो? ओह कम ऑन यार। अच्छा, okay. अच्छा, और वहां पे मैं देखती ही नहीं। अच्छा, वहां पे जो है थोड़ा सा इनको प्रॉब्लम आ सकती है, थोड़ा सा जो ये टाइम पीरियड है इनको टफ मिल सकता है, क्योंकि जो लास्ट प्रीवियस जो फ्यू वीक्स भी गुजरे हैं उसमें इनको सो कहते हैं कि मिसकम्युनिकेशन इस तरह की चीजें आई होंगी। जब से मर्करी की रेट्रोग्रेशन चल रही है एनी हाउ थिंग्स विल बी बेटर, क्योंकि आफ्टर 26-27 इनके लिए मामलात काफी ज्यादा पॉजिटिव हो जाएंगे। अच्छा, आ जाते हैं कुछ और जाचों की तरफ जी। मोहम्मद नवीद हैं,
4/3/1983 मोहम्मद नवीद जिन्होंने रावलपिंडी से लिखा है 4/3/1983 जहूर अनवर मदर का नाम है शादी कब होगी रिश्ता आता है लेकिन मगर टूट जाता है बहुत परेशान हूँ 4/3/1983 अच्छा जी रिश्ता आता है मगर टूट जाता है इसका एक तो पहली बात यह है कि अभी इससे पहले जो खास तौर पर इनके लिए 2-2.5 साल थे अगर उसमें कुछ इस तरह के मामलात होते रहे हैं बल्कि इनका तो अभी तक अच्छी बात यह है कि इनका कोई भी निकाह नहीं हुआ है उनके निकाह का भी टूट होता तो वो भी शायद टूट जाता एनी हाउ जब भी इनका आगे कोई प्रपोजल है काइंडली तो करवाइएगा कंपैरिजन और 2015 जून जुलाई के बाद हालात मामला ज्यादा बेहतर होंगे तब जाके कोई डिसीजन लीजिएगा और काइंडली कंपैरिजन जरूर करिएगा क्योंकि फर्दर भी हो सकता है आपको इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। अच्छा कमर अमानत ने लिखा है कमर आपने 2-3 दफा लिखा है ट्विटर के बता भी दें आपने सिर्फ अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजी है तो सिर्फ डेट ऑफ बर्थ पे तो मुश्किल हो जाता है बट ठीक है आपको जितना जनरल बता सकती है बता दीजिएगा कमर अमानत नाम है 1/1/1996 स्टडी के बारे में बता दें बच्चे प्लीज कोशिश किया करें कि मतलब एक तो पूरी इन्फॉर्मेशन देना आप लोग डिमांड करते हैं कि जवाब दें जवाब सिर्फ तब दे सकते हैं जब आप इन्फॉर्मेशन पूरी दें खास तौर पे जब कोई एक क्वेश्चन हो ना उसका जवाब देना जरा इजी होता है एनीवे ये टाइम पीरियड थोड़ा सा इसके लिए टफ है जो कि नवंबर 2013 से ऑनवर्ड्स इसको कॉम्प्लिकेशंस प्रॉब्लम्स आ रही हैं खास तौर पे अपनी एजुकेशन के मामले में जल्दी जो है अपनी एजुकेशन को छोड़ देना या उसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस का आना इनके कोई यानी कि पढ़ाई में कोई गैप आएगा या फिर अपनी कोई लाइन को चेंज करेंगे कुछ ना कुछ लेकिन इनकी एजुकेशन वाली जो साइड है वो अच्छी खासी प्रॉब्लम वाली मुझे नजर आती है लिहाजा उस पर इनको अच्छा खासा कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत है और हमें एक अच्छी खासी ब्रेक लेने की जरूरत है आपका बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच आपसे मुलाकात होगी एक हफ्ते की ब्रेक के बाद इंशाल्लाह और देखते हैं कि 26 के बाद मेरे हालात कितने को बेहतर होते हैं कहती तो रहती है पिछली बार इसने 21 कहा था अब कह रही है 20-21 में मसाइल जो हैं वो जो निकलने थे वो निकल गए खैर ये मैं इसे ब्रेक में लड़ती हूँ आप लोग भी एक ब्रेक लें आपको बहुत बहुत जुम्मा मुबारक हमारी तरफ से पूरे पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क की तरफ से मिलते हैं नन्नी मुन्नी सी बड़ी सी ब्रेक के बाद वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स इट्स एन ऑनर आज जिस पर्सनैलिटी को मैं इंट्रोड्यूस करा रही हूँ 2 दिन से हम इनको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि माशाल्लाह शी इज बीन वेरी बिजी क्योंकि इनकी फील्ड भी आज के दिन से रिलेटेड है तो उससे प्रीएम्प्टिव एंड आफ्टरवर्ड्स के भी बहुत से काम है बट वी आर वेरी ग्रेटफुल कि आज हमें डॉक्टर सुग्रा सदफ ने ज्वाइन किया है इनकी तारीफ में कहने को तो बहुत सी चीजें हैं मगर कुछ फैक्ट्स ही शेयर करूंगी पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर की ये डायरेक्टर हैं इनको आज हमने इन्वाइट किया जो पंजाब में पंजाबी जबान को प्रमोट करने के हवाले से भी बहुत काम कर चुकी हैं पंजाब यूनिवर्सिटी से फिलोसफी में PhD की डिग्री हासिल कर रही की है जो पंजाबी सूफी शायरों के ऊपर बेस्ड है वो भी हम मजीद डिस्कस करेंगे आप माशाल्लाह एक बहुत अमेजिंग पोएट्रेस भी हैं 10 किताबें आपकी शाया हो चुकी हैं जिनमें से 5 पोएट्री की हैं और 5 रिसर्च पे बेस्ड हैं आप पंजाबी के एक चैनल FM 95 की स्टेशन डायरेक्टर भी हैं बेहतरीन टेलीविजन होस्ट हैं क्योंकि बेस्ट कॉम्पेयर PTV रीजनल अवार्ड भी हासिल कर चुकी हैं और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज भी अटेंड करती हैं इंटरनेशनल मुशायरों में भी हिस्सा लेती हैं अब मैं रुक जाती हूँ वरना बात नहीं हो पाएगी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम लेकिन बड़ा अच्छा लग रहा है बोलती रही डॉक्टर साहब देखिए बात ये कि माशाल्लाह आपने इतना काम किया हुआ है और आज के टॉपिक और आज का जो दिन है उससे इतने परफेक्टली आप रिलेट करती हैं कि बिल्कुल आई एम वेरी एक्साइटेड कि आज बात पते की होगी और टॉपिक से रिलेटेड ही होगी जरूर सबसे पहले तो मदर लैंग्वेज कौन सी होती है मेरी जैसे कि पंजाबी फैमिली में बोली जाती है उर्दू भी बोली जाती है बट क्योंकि मैं पाकिस्तान में पैदा हुई हूँ तो क्या मैं मेरी मेरी उर्दू है लैंग्वेज पंजाबी कौन सी है मेरी लैंग्वेज मेरे ख्याल है कि जुगन ये बड़ा क्लियर होता है कि मदर लैंग्वेज वैसे तो कहा जाता है माँ बोली लेकिन माँ बोली दरअसल धरती की जुबान है जमीन जिस जमीन के साथ आप वाबस्ता हैं यानी पंजाब में आप रहते हैं तो आपकी मदर लैंग्वेज पंजाबी है यानी पंजाब की जुबान है उसको आप सराइकी कहें पंजाबी कहें पोठोहारी कहें कोई भी जुबान आप कह लें
लेकिन पंजाब की जुबान जो होगी वो मदर लैंग्वेज होगी। अगर आपको बाय चांस अगर आपको घर में अंग्रेजी बोलते हैं तो आपको अंग्रेजी बोली गई, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि मदर लैंग्वेज आपकी अंग्रेजी हो गई, क्योंकि आप इस धरती की बेटी हैं तो आपकी मदर लैंग्वेज वही होनी चाहिए जो पंजाब की जुबान है। तो मदर लैंग्वेज के हवाले से बड़ी कन्फ्यूजन भी हैं, और इस हवाले से फिर उर्दू क्या हुई, क्योंकि उर्दू तो कहते हैं हमारी नेशनल लैंग्वेज है, तो नेशनल कन्फ्यूजन जुगन पंजाब के हवाले से बड़ी ज्यादती हुई शुरू से ही। तो एक मैं बात ये क्लियर करूं कि जब पाकिस्तान बना था तो उससे पहले पंजाब भी एक चार इकाइयां थी, और जो पहले से मौजूद थे हजारों साल की तारीख थी, यानी पंजाबी जुबान में आप देखें हमारे पास 1000 साल का अदब मौजूद है, और पंजाब भी मौजूद था, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, ये चार इकाइयां थी, इन्होंने मिलके पाकिस्तान बनाया। पाकिस्तान ने पंजाब को नहीं बनाया, पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा को नहीं बनाया, बलूचिस्तान को नहीं बनाया, सिंध को नहीं बनाया, इन चार इकाइयों ने मिलके फैसला किया कि हमने इकट्ठे रहना है और एक मुल्क में रहना है। अब जब इकट्ठे रहने का फैसला किया तो उस वक्त ये करता धरता ने फैसला किया कि अब इन पर एक जुबान हम सिर्फ लागू करेंगे और बाकी इनकी जुबानें छीन लेंगे। यानी जो जुबानें आप हजारों सालों से बोलते आ रहे हैं, जो आपका कल्चर है, जो आपका विजडम है, और आज भी 48% हमारे मुल्क में पंजाबी बोली जाती है, पंजाबी बोली जाती है, और उनको छीन के उनके ऊपर एक जुबान लागू की गई। और जब जुबान लागू कर देते हैं आप, मैं किसी जुबान के खिलाफ नहीं हूँ, मैं खुद उर्दू में भी लिखती हूँ, लेकिन ये कि जब जुबान लागू की गई, अब देखिये मेरी दादी जो है वो एक हाफजा है, एक उसमें सूफी शायर की हाफजा है, या वो है नहीं है, लेकिन मैं कह रही हूँ उनको बहुत सारे शेर याद हैं। तो जब आपने कह दिया कि सिर्फ उर्दू पढ़ने वाला बंदा पढ़ा लिखा है, तो वो तो उसी वक्त जाहिल हो गई ना। नहीं, बट डॉक्टर साहब एक और बात भी है ना, तो सबकी राबते की जबान अगर एक कॉमन लैंग्वेज रखी जाए, इसके ऊपर आपको पता है बड़ी डिबेट हुई हुई है, और इट्स अप फॉर डिबेट, और हम अग्री कर सकते हैं टू डिसएग्री। बट देखें, अब अगर कोई शख्स सिंधी में बोलता है और आप पंजाबी को लागू कर दें एज अ नेशनल लैंग्वेज, तो वो भी प्रॉब्लम हो जाती है। मैं नेशनल लैंग्वेज की बात नहीं कर रही, मैं कह रही हूँ कि उर्दू को रहना चाहिए, राबते की जुबान रहना चाहिए, लेकिन इस वजह से नहीं रहना चाहिए कि आप उनकी जुबानें छीन लें, यानी पंजाबी को खत्म कर दें और उर्दू को। अब देखें कनाडा में, हाँ जी, फ्रेंच बोली जाती है मॉन्ट्रियल में, ठीक है, मतलब क्यूबेक के प्रोविंस में, लेकिन क्योंकि वहां पर मैंने एक अरसा गुजारा है, वहां पर फ्रेंच और अंग्रेजी दोनों सिखाई जाती है। आपस में जब आप कभी जाएं क्यूबेक तो सारे फ्रांसीसी में बोलते हैं, अंग्रेजी आती है, लेकिन वो अपनी जो उधर की माँ बोली अपने आप फ्रेंच कंसिडर करते हैं, उसको तरजीह देते हैं। बिल्कुल, मेरा ये थीसिस नहीं है कि आप उर्दू को खत्म करें या नहीं, वो राबते की जुबान रहनी चाहिए, लेकिन पंजाबी को भी प्रमोट करना चाहिए। आप सिंध में देखें ना, अगर आप सिंध गई हो या आपको एक्सपीरियंस हो कि उन्होंने शुरू से अपनी जुबान को नहीं छेड़ा, और 73 से उनकी जुबान जो पढ़ाई जा रही है स्कूलों में, कॉलेजों में, और प्राइमरी की सतह पर लाजमी मजमून है। इसके अलावा उनके सारे अखबारात, उनके जराइद, और वहां पे अदालती जुबान है, कार्रवाई की जुबान है, यानी आपने रोजगार से जोड़ दिया उसको। कितनी तरक्की की सिंध के कल्चर ने, सिंध की जुबान ने। जुबान और कल्चर जो होता है वो जमीन से वाबस्ता होता है, ना उसका मजहब से ताल्लुक है, ना किसी और एक्टिविटी से ताल्लुक है। तो मेरी हमारी पंजाबी जुबान है ये सबसे ज्यादा रिच जुबान है, इसलिए कि हमारे पास 8 सूफी शायर हैं, इतनी बड़ी हमारे पास जो है बाबा बुल्ले शाह आफाकी शायर है, पूरी दुनिया उनको मानती है, और हम बाबा बुल्ले शाह को नहीं पढ़ाते अपने निसाब में, हम बल्कि बाबा बुल्ले शाह के जो एंटी है उनको पढ़ाते हैं। इसी मजे की बात वही आ जाती है ना एट द एंड ऑफ द डे, कि अंग्रेजी के लिटरेचर को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। मैं इसी बात पे आज शुरू भी प्रोग्राम इसी गिले से किया था कि अंग्रेजी के स्कूल में पढ़े वहां पे एक सिर्फ सब्जेक्ट होता था उर्दू का, इस्लामिया तक अंग्रेजी में सिखाई जाती थी, यू नो दैट। बिल्कुल बिल्कुल, तो हमें मतलब अरबी में पढ़ा और फिर अंग्रेजी में उसका तर्जुमा सीखा, तो अंग्रेजी अंग्रेजी अंग्रेजी, और फिर उर्दू इतनी सी, और पंजाबी तो दूर दूर, कभी पंजाबी ना पढ़ी ना अब ऑब्वियसली, क्योंकि पंजाबी पढ़नी भी इतनी आसान नहीं है अगर आपने ना पढ़ी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, लेकिन जुगन अब मसला ये है कि सिंध में तो पहले से ये राइट थी, अब बलूचिस्तान ने भी कर दी है, खैबर पख्तूनख्वा ने पिछली दौरे हुकूमत में इसको लागू कर दिया है, अब सिर्फ पंजाब वो वाइस सूबा रह गया है कि जहाँ पे पंजाबी जुबान नहीं पढ़ाई जा रही। इस हवाले से हमने कल राना मशहूद अहमद खान साहब को बुलाया था अपने इदारे में, वहाँ पे राइटर से उन्होंने मुलाकात की, खिताब भी किया, तो उन्होंने कहा हम इस पे काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर से इस पर कोशिश करेंगे कि पंजाब के स्कूलों में इब्तदाई तौर पर नाफिज की जाए। और एक और अहम बात मैं ये बताऊंगी कि हमारे जिस तरह आपने कहा कि अंग्रेजी मीडियम में आप पढ़ी हैं, तो अंग्रेजी मीडियम के जो स्कूल हैं वो इस पे काम कर रहे हैं, ये जो बड़े बड़े इदारे हैं, बड़े बड़े नामवर, उन्होंने सोचा है कि ये हमारी अपनी जुबान है, इस पर भी काम किया जाए, और वो कोशिश कर रहे हैं कि अपनी सतह पर इसको लागू करें। मैं उनको बिल्कुल बहुत अप्रिशिएट भी करती हूँ, और मैं समझती हूँ कि उनकी कोशिश है, अंग्रेजी आलमी जुबान है उसको
लैंग्वेज में सीखना चाहिए, और ये नहीं होता कि बंदा एक जुबान में फंस के रह जाता है। आप जितनी जुबानें बोलेंगे, जितनी जुबानें सीखेंगे, इल्म हासिल करेंगे। और ये फैक्ट है कि छोटी उम्र में, जैसे जब बच्चे छोटे होते हैं, आप उनको 15 जुबानें भी सिखाना चाहे तो आसानी से सिखा सकते हैं, आगे जाके प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल मैम, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आज के दिन क्या इवेंट्स किए जाएंगे, क्या तकरीबात की जाएंगी, घर पे हम क्या कर सकते हैं अपनी मादरी जबान को प्रमोट करने के लिए। अंग्रेजी तो स्कूल में सीख लेंगे, उर्दू भी सीख लेंगे, तो हमारी जो मादरी जबान है उसको घर पे कैसे प्रमोट किया जा सकता है, कोई टिप्स अगर आप खवातीन जो घर पे हैं, जो फादर्स हैं, उनको दें, ये सब कुछ छोटी सी ब्रेक के बाद। डॉक्टर सुखरा सदफ हमारे साथ है। डॉक्टर साहिबा, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, मैं चाहती हूँ कि हम मैक्सिमम बात करें। आज का दिन आप कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं? जुगन, शफकत नवीर मिर्जा साहब एक बहुत बड़े पंजाबी एक्टिविस्ट थे, उन्होंने तमाम उम्र पंजाबी जुबान की तरक्की तरवीज के लिए काम किया, और बहुत बड़े स्कॉलर और दानश्वर थे। तो वो कोई 2 साल पहले उनकी वफात हो गई है, तो हमने उनके हवाले से शफकत नवीर मिर्जा अवार्ड शुरू किया है। पिछले 21 फरवरी को हमने पहली दफ़ा ये अवार्ड उसके साथ 1,00,000 रुपया जो दिया, वो मुश्ताक सूफी साहब जो कि पंजाबी के बड़े एक्टिविस्ट हैं और शायर हैं, दानिश्वर, उनको दिया। आज दूसरा अवार्ड हम दे रहे हैं, और गवर्नर पंजाब इंशाल्लाह चौधरी सरवर साहब शाम 5 बजे ये अवार्ड देंगे एक स्कॉलर को और एक्टिविस्ट को। उसके साथ हम एक म्यूजिकल इवनिंग कर रहे हैं शाम को, जिसमें बाबर नियाज़ी और जावेद नियाज़ी होंगे। तो कल हमने 3 सेशन किए 21 फरवरी के हवाले से कि माँ बोली और जो इब्तदाई तालीम है उसमें वजीरे तालीम चीफ गेस्ट थे। इसके अलावा एक हमने किया कि पंजाब के जो फन, सकाफत और आर्ट है और मीडिया का, तो PTV के लोग भी शामिल थे उसमें, और सारा जो मीडिया हमारा इस वक्त है उसमें वो शामिल था। और हमने क्या कि पंजाबी ज़ुबान को वक्त देना चाहिए अखबारात में भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी। और फिर तीसरा ये था कि पंजाबी ज़ुबान और कल्चर के बारे में जो कुछ हमारे दिमागों में, दिलों में कन्फ्यूजन्स हैं, उनको दूर की जाएँ। यानी पंजाब का जो विरसा है उस हवाले से, अब देखें हज़ारों साल की तारीख मैंने पहले आपको बताई, हमारे जो ईडियम्स हैं, जो अकवाले ज़री हैं, जो हमारे इसी तरह मुहावरे हैं, अब एक मुहावरा आप बोले ना तो उस पर आप एक तकरीर पूरी उसके पीछे है। तो वो मुहावरे जो हैं वो हज़ारों सालों के तजर्बों से हैं। अगर आप पंजाबी ज़ुबान को छोड़ देते हैं तो उनको ख़त्म कर देते हैं। आप देखें, अगर अपनी ज़ुबान से आप जुड़े रहते, आज जो हमें दहशतगर्दी और इज्जत पसंदी नज़र आती है वो नहीं आती, इसलिए कि हमारे सूफी शायरों ने कभी भी किसी इंसान को दूसरे इंसान से कमतर जाना ना बरतर, वो सब लोगों को एक जैसा जानते हैं, वो किसी भी मज़हब से हों। बुल्ले शाह की बात करें, मियां मोहम्मद की बात करें, तो उन्होंने इंसानियत का और इखलाकी अकदार का दर्स दिया। तो इस हवाले से मैं समझती हूँ कि पंजाबी ज़ुबान की तरक्की की तरफ हमें जुड़ना चाहिए, क्योंकि ज़मीन से आप उठ जाएंगे तो आप खला में, आपकी पहचान ही कोई नहीं, आप कहाँ जाएंगे। अच्छा, मगर एक पॉइंट ऑफ क्यूरियोसिटी, क्योंकि आपका इतना इंटरेस्ट है लैंग्वेज में एंड यू आर अ स्टूडेंट ऑफ लैंग्वेजेस, तो आप कितनी लैंग्वेजेस बोल लेती हैं, समझ लेती हैं? जी, मैं सबसे पहले तो यही बताऊं, आपने भी पहले कहा था कि पंजाबी पढ़नी मुश्किल है, तो मैं जब MA तक पढ़ रही थी तो मैं पंजाबी ना पढ़ सकती थी ना लिख सकती थी, क्योंकि मैं भी उसी सारे सिस्टम का हिस्सा हूं कि मेरा अगरचे ताल्लुक गांव से है, हमारे घर में पंजाबी बोली जाती थी, लेकिन मुझे लिखना पढ़ना नहीं आता था क्योंकि मैंने स्कूलों में नहीं पढ़ी थी। फिर मैंने MA में जाकर मुझे जब शऊर आया, जब मुझे पता चला मेरा हक क्या है, मुझसे क्या छीना गया है, तो फिर मैंने पंजाबी पढ़ी, और मुझे कोई 10 दिन भी नहीं लगे कि मैं फ्लुएंटली पंजाबी पढ़ने भी लागी और लिखने भी लागी। उसके बाद मैंने पंजाबी की तरफ मैं आई हूँ और मैंने काम किया है। आप देखिए जुगन, एक मैं छोटी सी आपको बात बताऊंगी, हमारा जो सिलेबस है, जिस तरह आपने अंग्रेजी में पढ़ा या उर्दू में पढ़ते हैं, आप उर्दू में अगर आप पढ़ेंगे तो लखनऊ की तारीख पढ़ते हैं, लखनऊ के शायर पढ़ते हैं, अंग्रेजी में हम पढ़ते हैं हम कीट्स और सारे ब्राउनिंग और सब उनको, मिल्टन को उनको पढ़ते हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, अब उनकी नज़में जो हैं वो बर्फबारी पे है, नवंबर का है, दिसंबर, हमारे यहाँ तो वो मौसम नहीं है, हमारे यहाँ मौसम है सावन। अब मेरे निसाब में सावन के बारे में होने चाहिए ना कि सावन के झूले हैं, सावन का मौसम क्या है। अब हम अंग्रेजी महीनों का जब नाम लेते हैं तो उसके साथ तारीख जुड़ी हुई है वहाँ की, हमारी तारीख नहीं जुड़ी हुई। हमारे ऐसे कत्ते पो माँ आएगा तो हमें पता चलेगा ये कटाई का मौसम है, ये बारिश का मौसम है, ये सर्दी का, ये गर्मी का, ये सारी चीजें हमारे हाफजे और हमारे इर्द गिर्द से जुड़ी हुई है। क्योंकि हम जब दिसंबर की बात करते हैं तो सिटिंग इन लाहौर, जो बर्फबारी का कॉन्सेप्ट हमारे जहन में आता है वो हमसे रिलेटेड नहीं है, वो पब्लिक मरी एंड अप नॉर्थ के
एरिया से बिल्कुल related. बिल्कुल बिल्कुल सही. तो इस हवाले से मैं समझती हूँ कि ये हम सब का फर्ज है कि हम अपनी जुबान की तरफ लौट कर चलें और उस पर काम करें. अच्छा आपने आपने कहा जुबानें कितनी बोलती हैं, सॉरी, तो मैं पंजाबी जुबान बोलती लिखती पढ़ती हूँ, उर्दू अंग्रेजी भी मेरी ठीक है क्योंकि सारी दुनिया आपने दिनों कवर कर ली ना. आप अपनी माँ बोली बोल लेती हैं, आप अपनी नेशनल लैंग्वेज बोल लेती हैं और इंटरनेशनल लैंग्वेज क्योंकि सारी दुनिया मुझे घूमने का मौका मिला है तो जरा फिर अंग्रेजों से बात करनी पड़ती है तो वो आ ही गई अंग्रेजी थोड़ी बहुत. और इसके अलावा मैंने मुझे सिंधी की समझ है, मैं पढ़ भी लेती हूँ समझ भी लेती हूँ. और बाकी जो हिंदको वगैरह ये तो थोड़ी मिलती जुलती है ना, सिर्फ पश्तो जुबान नहीं मुझे पाकिस्तान के हवाले से आती और वो मेरा दिल करता है कि मैं कभी जरूर सीखूं. और एक मैं आजकल एक कायदा मुरतब कर रही हूँ जिसमें चारों जुबानों के जो बुनियादी लफ्ज हैं वो हम करेंगे, पश्तो सिंधी बलोची और पंजाबी के, ताकि अगर एक वर्ड आप बोलते हैं तो आपको पता चले पश्तो में इसको क्या कहते हैं. कुछ बुनियादी चीजें हमें आपस में पता चले ताकि हमारे दरमियान अमांगी बढ़े. अमांगी इससे बढ़ेगी, खाली दूसरी जुबानों से नहीं बढ़ेगी. What a beautiful message, जी. Thank you so much, डॉक्टर साहबा. And good luck today. I know कि आज आपका बड़ा मसरूफ दिन है और probably कल का दिन भी, क्योंकि ये इंशाल्लाह पहले भी और बाद में भी और ड्यूरिंग भी बहुत मसरूफियात होती हैं. थैंक यू, आपने अपने बहुत बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला. बहुत शुक्रिया. एंड शेफ मेजमी, सब कुछ रेडी हो चुका है, आपको नजर आ ही रहा है, देख लें रायता भी रेडी है और समोसे हैं, रोल है और भरता, सब कुछ रेडी हो चुका है. वंडरफुल. तो अब मेरे ख्याल से मैं आपको यही कहूंगी कि यू शुड हैव अ ग्रेट वीकेंड और वीकेंड पे को इंजॉय करने और स्टार्ट करने से पहले हम जरूर ये कहेंगे कि 10 में है कुछ खास. आइए देखते हैं नेस्ले एवरीडे टी पार्टी.